अकॉर्डिंग टू कायरा हमारी इस हैप्पी लाइफ में किसी तीसरे की जरूरत नहीं। हमें ना अब कायरा को सब सच बता देना चाहिए। अभिनेता अजय देवगन के करियर को आप उठाकर देखेंगे तो उन्होंने अब तक हर एक जॉनर की फिल्म में काम किया है और दर्शकों ने उनकी हर तरह की फिल्मों को प्यार भी दिया है। बात चाहे कॉमेडी की हो या फिर एक्शन की, जब भी अजय देवगन अपनी फिल्म को लेकर आए हैं, दर्शक सिनेमा घरों में भाग खड़े हुए हैं। अगर अजय देवगन की आने वाली फिल्मों की बात करें तो उनमें दर्शकों को बायोपिक्स ज्यादा देखने को मिलेंगी। बॉलीवुड के गलियारों से सामने आ रही खबरों की माने तो अजय देवगन के पास इस समय 3 बायोपिक्स तानाजी द अनसंग वॉरियर, चाणक्य बायोपिक और भारतीय फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम हैं, जो आने वाले सालों में रिलीज होंगी। अजय देवगन ने अपनी इन तीनों बायोपिक फिल्मों में से तानाजी द अनसंग वॉरियर शुरू भी कर दी है। इसमें अजय देवगन के साथ सैफ अली खान और काजोल जैसे कलाकार अदाकारी करते हुए दिखाई देंगे। अजय देवगन ने सालों के बाद सैफ अली खान और काजोल के साथ काम किया है। अगर अजय की बाकी दोनों बायोपिक्स की बात करें तो वो तानाजी द अनसंग वॉरियर के बाद शुरू होंगी। वैसे आप इन तीनों में से किस बायोपिक के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।